गोवर्धन के कस्बा डीग में बारिश के कारण हुए दर्जनों मकानों में जलभराव और पानी की निकासी न कराए जाने पर परेशान लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की चेतावनी भी दी। अडीग में दर्जनों मकान बारिश के दौरान पानी भर जाने के कारण आज तक डूबे हुए हैं। पानी की निकासी न होने और जल भराव से परेशान लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की चेतावनी दी। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र का गांव अडीग बारिश के पानी से प्रभावित है। पानी निकासी के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। अडीग की एक कॉलोनी में बने मकान जलमग्न हो गए हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है, पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। विधायक से कई बार पानी की समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इन हालातों में गेहूं की फसल की बुवाई भी प्रभावित होगी। जल भराव से गांव में बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। जल भराव की समस्या से आक्रोशित लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की चेतावनी दी है। भाई साहब, ये सारी समस्या बताओ, महीनों हो गए हमें डोलते डोलते, हमारा सारी तो फसल नष्ट हो गई है और पानी से बरकरार हमें रोजाना निकलना पड़ता है। हमारे बच्चे एक ही जगह वहीं पर बरकरार ठहरे हुए हैं, जिनको का स्कूल भी जाना दुर्लभ पड़ रहा है, बीमारी से परेशान है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से भी अब सबके पास डोल लिए हैं। पानी कहाँ से आया, किस प्रकार पानी भरा? पानी कुछ तो मतलब कि ऐसा होता है कि झील सी पड़ जाती है तो ऊपर से जैसे नहर वगैरह का चलता है या नहर, उससे आ जाता। फिर आज के टाइम में बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो उससे जनप्रतिनिधि या किसी विभागीय अधिकारी को संपर्क नहीं, सबके पास डोल लिए। वो तो कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। हम वहाँ पे गए थे इनके पास, ये नहर विभाग का इनका वो है, उनके पास गए तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं है इसमें, तुम आप जाके प्रधान से मिलो। प्रधान जो कह रहा है कि इसमें कोई हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारा भी कोई काम नहीं है, किसी का काम नहीं है, तो हम किसके पास जाएं, किसका काम है ये? अब क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और हम अब वोट नहीं देंगे बीजेपी को, मतलब किसी को भी नहीं देंगे वोट। हम वोट का बहिष्कार करते हैं, अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो हम वोट नहीं करेंगे और वोट का बहिष्कार करेंगे। समस्या भाई साहब, आप देख रहे हो चारों तरफ पानी भरा हुआ है और सारी फसलें चौपट हो चुकी हैं, जबकि यहाँ पर मकान भी बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार समेत यहाँ पर सभी लोग रह रहे हैं और महीनों से ज़्यादा ये समस्या है। घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है, आगे तो कमर कमर पानी भरा हुआ है, न पशुओं के लिए चारा बचा है न, और सभी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। चारों तरफ देखो पानी ही पानी भरा हुआ है। तो ये मकान में जो रह रहे लोग निकलते हैं, कहाँ को निकलते हैं? ये इसी पानी में होकर के आप देख रहे हैं, वहीं से आते हैं सड़क पे से, बाईपास से पानी लगा हुआ है और बाईपास से ले जा रहे हैं, बाईपास से ही पानी लगा हुआ है और देखो चारों तरफ पानी लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि या कोई हमने क्या नाम है यहाँ सिटिंग विधायक जो है माननीय कारिंदर सिंह, उनसे भी संपर्क किया है, उनसे भी मिले हैं, उनके सुपुत्र भी आए थे, उनसे भी संपर्क किया है और SDM साहब के पास गए हैं, BDO साहब से भी कहा है और क्या नाम है वो तहसील दिवस लगा था उसमें भी हमने संपर्क किया, वहाँ शिकायत दर्ज कराई और क्या नाम है हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी कंप्लेंट किया, लेकिन कोई भी किसी भी तरफ से हमें कोई आज तक क्या नाम है कोई प्रतिनिधि ने आकर के हमारी ये नहीं देखा यहाँ पर आकर के कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, समस्या को क्या नाम है हल तो पीछे किया जाए, हमसे मिले भी नहीं आकर के कि आप कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, आपके साथ में क्या हो रहा है। अब चुनाव आ रहे हैं, वोट मांगने आ जाएंगे, हम तो वोट किसी को देंगे नहीं, हम तो चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रात की रास्ता है और ना भैंसन को बचो ना मानसन को बचो, कछु बालक रोज बीमार रह रहे ना, हम तो गाड़ी घोड़ा निकले ना, यहाँ कोई डॉक्टर है और ना कोई, अब पानी भी कोई कछु कर रो है और कहा भैंसन को चरा में बुर्जी बह गई और अब गेहूँ की संभावना ना है, कछु की ना है। जैसा कि 2022 में चुनाव आने वाला है, आप किसको वोट देंगे? हम कोई को ना दें वोट, किसी को नहीं देंगे, ना देंगे। अनु को आ जा, हमारी कबू कोई सुन नहीं ना है, बिन वोट ने धरती का चाटेंगे, हमारे बालक बीमार मर जाएंगे। तो सबरी समस्या है, यहाँ पानी भर रो, पानी में के जाए बालक बच्चे, हम रास्ता जावे बिल्कुल एक महीना ते इतने बीतते जा रहे, मतलब कोई सुनाई नहीं कर रहा हमारी, हारी है बीमारी है, मतलब कहाँ है के जाए। उसको लेकर आप यहाँ जनप्रतिनिधि या किसी विभागीय अधिकारी को संपर्क नहीं किया? कोई नहीं किया, कछु कोई सुनाई नहीं कर रहा, सुनाई नहीं कर रहा कोई, नहीं कोई भी। अब क्या रणनीति बनाई आप लोगों ने? अब वोट हम किसी को नहीं देंगे, हम तो मरे ही रहे, वोट कौन को दे, जब कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा तो हम किसी को वोट ना दें। बूथ अध्यक्ष इसी बूथ से हूँ जहाँ जो पानी भरा हुआ है,
ये किसान बहुत परेशान है, करीब ना तो हजारों किसान परेशान है, ये चार से ही नहीं हजारों किसान परेशान है, ये पानी करीब डेढ़ महीना से भरा हुआ है। इसके समाधान के लिए हम SDM साहब से मिले थे, उन्होंने आए भी थे, देख भी गए, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद हम विधायक जी से मिले, उनके सपुत्र श्री जीतू जी से मिले, उन्होंने कहा था मैं इस पानी को निकलवा दूंगा, और उसके बाद आज तक नहीं आए लौटे। पानी की समस्या ये है कि इसकी मतलब हर साल की प्रॉब्लम ये है कि हर साल मतलब पानी में मरते हैं, यहाँ फसल मर जाती है, कोई फसल मर जाती है, कोई सुनाई नहीं करता है, हर साल मतलब डोलते हैं, हर साल कहते हैं, अब भी खूब कहा था हमने पर कोई सुनाई नहीं करता है हमारे। क्या रणनीति बना रहे हैं आप? अब हम यही बना रहे हैं जो कहा हमें किसी को वोट नहीं देना है, हम तो मर तो रहे ही, समाधान इसका मतलब नहर में हो सकता है, परंतु जो कहा कोई भी सुनाई नहीं करता है हमारी, या हमें पंपा गिर जाए या हमें कोई सैंपल बन जाए, इसका समाधान हो सकता है, पर वो तो जब जब कोई मतलब करे।